नमस्कार जय जगन्नाथ एंड गुड मॉर्निंग मो रोजा स्वागत करछि आपण मानको आपण मानकर हि चैनल रोजा विद फैमिली ब्लॉग रे केमिति छथि आपण माने कमेंट सेक्शन रे मते नियाति जणेबे आ मो बिल्कुल ठीक ठाक अछि। आज होछि पवित्र बड़ ओसा माने कार्तिक मासर चतुर्दशी शुक्ल चतुर्दशी आ बड़ ओसा। तो बड़ ओसा पई आपण मानको समस्त को सारा ओडिसावासी को मोर हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा आ शुभकामना आ आसंता काली मुदेजी आपण मानक कार्तिक पूर्णिमार ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना आपण मानक कहीं भिडटा मुझे आज बनाऊँ बट काली ही जीव तो से तो आज बड़ोसा स्पेशल किए कौन कर मत कह आई भी करूनी पूरा नर्माल सबकि जानते आम गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देखते कोविड कि आपण मैंने आम मैंने समस्ते मिसिकी घरे ही बनवा ये वर्ष कार्तिक पूर्णिमा मैंने डंगा भसेवा कार्यक्रम आउ घरे ही बनवा मानने कुंडरे पानी हजबैंड मत कह कुंडरे पानी रखिकी आम भसईद तो सेमती कि तो मंदिर सबकि तो बंद अच्छी कोविड कटकणा को प्लीज मानतु आपण मैंने कहीं सिचुएशन बहुत क्रिटिकल आउ जानते तो महामारी के जोर व्यापुची बहुत जगार मानने पर डे 8,000 10,000 एमती पेसेंट बाहर बेले आम ओडा टे कंट्रोल अच्छी कि हाथ में ना आ बहुत लोग थंडा ज्वर से पीड़ित हेले मैंने आप जानुवे थंडा ज्वर सिम्टम ही कोविड सिम्टम आपण समस्त रिक्वेस्ट प्लीज कोविड कटकणा को मानतु आउ कंटिन्यूसली कहीं भी थंडा पा पीतु ना प्लीज उषुम पा पीतु उषुम पा पीवा सहित येलो टी निहाती पीतु येलो टीटा इम्युनेशन पावर बहुत बेसी करें इम्युनेशन पावर बढ़ेबारे मास्टर होची येलो टी ताकू छाड़दे आप किसी भी काढ़ा तो पीबे बट इम्युनेशन पावर आम येलो टी रे भरपूर मात्रा थाए येलो टी सहित काढ़ा पीतु छोट छुआ को अदा तुलसी पत्र रस सहित महु मिसेक आटलिस्ट दिन में गोटे चामच दिंतु एमती कि तो आज मु ब्रेकफास्ट किसी भी आपंक सेयार करें कहीं किचेन वगैरह किसी भी क्लीन करनी एवं मतलब टाइम लगे हूँ सका पाँचटा हो तो सबकि क्लीन करके ब्रेकफास्ट सेयार करें लंच सेयार करी लंच बेल गोटे बढ़िया सा रेसीपी आपत रखी ट्राडिशनाल रेसीपी आई रेसीपीटा मुझ मो आई शिखी थी मानते जिते बु गाँव थी आईकर डेथ आनी फिर भी मुझे रेसीपीटा आपत सेयार करी तेज चलते मुझे आगे काम छिंदाए तापर आप सहित लंच बनला बेलू कथा हो तो एबे हमें आज गोटे प्योर भेज रेसीपी बनवा देखी नि तो बहुत सारा सारु नहीं मुझे अमृतभंडा गोटे बड़ सैज्र नहीं मूला दुई रु तीनो नहीं कि पोट बैगण टमाटो दुईटा आ बीन्स किसी नहीं या भितर कि ग्रीन मटर अच्छे आ गए नड़िया नहीं आलु मुझा मीडियम सैज्र मिसेबी ये आलु तीन टाइम मीडियम सैज्र मिसेदे बर्तमान ये सब पर काटिदे आकु काटि सारापर आम जाइ बुट मोटर भिजे रखी सीझेदे नड़िया भांगी कोरेदे आम तरकारी बनवा तो प्रथम आम पर जाक काटिनेबा चलतु ये देखी ना मुझ आलु अमृतभंडा को एमती भल भाव छोट छोट पीसेस काटिदेगी आारुटा कोमती काटिदी आई ग्रीन भेजिस सब जमीक बैगण कंचा कदमी कखारु पोट आउ बीन्स ये सब को एमती काटिक पानी रे पकई तो ये आम तरकारी बनवाप मसला नहीं देखेद कि बुट डाली मानने गोटे कप बुट डाली को भिजे रखीदी दुई घंटा पूर्व या धोक रखी आठ कि मटर आउ छोले को एमती भल भाव सीझे यहाँ कालीठ भिजिकी तो या सीझे आईटी देखने तो गोटे नड़िया को एमती भल भाव कोरिक पतला पतला कर रखीदी पूरा सुखा नड़ियाटा तो कोरा नड़ियाटा को एमती रखीदी आई बड़ी नहीं आईटी कि बिरी बड़ी नहींदि आपखे नड़ी अवेलेबल थाए आप नहीं पारे बट मो पाखे ना केवल बड़ी ही नहीं तो एठी देखने तो जीरा तो ये जीरा और सरस को मुझे भिजे दी पर काटा पूर्व या गोटे इंच अदा को एमती काटिक पकईदे आई टमाटो दुईटा मीडियम सैज्र नहीं नौ आप गोटा धनिया अवेलेबल थी आप पकईपरेंगे कि मो पाखे नाला तो मुझे ये गोटे टेबल स्पून धनिया पाउडर दे दूसरी आई मु गोटे जीरा गोटे टेबल स्पून गोटे टी स्पून जीरारे टू टेबल स्पून सोरस नहीं आ गोटे टेबल स्पून धनिया पाउडर देली आ लंका पाउडर ये वन टी स्पून देदेली एवं आम कौन करवा ना या सब मिसेक गोटे बढ़िया सा पेस्ट बनवा
तो ये मसलाटा देखो तो भल भाव पेस्ट बन तो ये बड़ीटा को भाजीद प्रथम बड़ीटा को भाजीद सारूटा को भाजीद तो ये बड़ीटा को भाजीदेली मु सारूटा को भी भाजी ना जो सारूटा आम कटाई थी कहीं सारूर लाल अंशटा कटिज तो या जस्ट टे मैंने थरी गोटे चार पाँच मिनिट भाजवा जमीक लाल अंशा कटिज सारूटा प्रायतः पार्टी इचिंग हुए सारूटा तो सही से सारू को घरे देखी मोर आई करती एमती घाट सब जो आम अंबादशमी हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा हूँ एमती बनाती तो से आई कोई घाटा देखी थी और मम्मी तो मम्मी भी बनाती मम्मी का सहित मुझे बेस अटाच नए आई को जस्ट डेट पर मोर मैरिज हो गला तो ये बाहर जामर सारूटा भजा है कि बाहर कर देती पर रखीदी ये मुझे डालडा नहीं नौ आप चाहिए रिफाइन कि डालडा नहीं पारे ये देखी नि डालडा दे दीजिए आम याद किसी जीरा फुटेबा तो ये मुझे तेजपत्ता एवं आम याद जो मसलाटा पेस्ट बन रखी थे से मसलाटा देद तो या पांच मिनट कसईबा तो ये आम मसलाटा हो गला आम याद कौन करा सबूक पर सबकि पकईदे आम याद आवश्यक मुताबक लुण दि जाए हल्दी पाउडर देदेली कौन करा ना बुट डालटा को देद कहीं बुट डाली आम सीझे या मिक्स करदे ये आज पा देद आवश्यक मुताबक आपको पाटा टी गरम होगा ग्रीन पर पकेबा एवं या घोड़ी यहाँ टे पा उषुम होगा ग्रीन पर सब पकेबा तो ये पा जस्ट टे गरम होगा मुझे सब ग्रीन भेजिस दे दीजिए नड़ियाटा याद पकईदे या जस्ट फुटापी छाड़ यहाँ जस्ट फुटिगले दुई तीन फुटना होगा याद आम बुट आटर आमर बड़ी भजियाटा दबा एमती घोड़े करके रखीद ये सब पर सीझी आसला एम याद बड़ीटा को आड करदे बड़ीटा आड कर सारापर याद आम ग्रीन मटर टी आड करवा तो ये आम ग्रीन मटरटा पकईदे आम सबकि बुट आटर सीझा को पकईदे ये काबुली चना मुझे नहीं चाहिए चाहिए कला बुट नहीं पारे आठ मुझे बुट डाली आम याद कि आड हाँ ना खाली जस्ट टिके घोड़ेदे फुटवा को छाड़दे तो ये मोर भातटा अरुआ भातटा तो देखी तो कैसे छोट डिक्चिरे रोसे आम घर पूजा पार्वण में घाट तरकारी एमती बड़े डिक्चिरे रोसे हुए कहीं हजबैंड बहुत प्रिय घाट प्रिय घाट सबकि पड़ जाए जस्ट मुझे गोटे क्वार्टर टी स्पून गरम मसला याद आड कल बहुत बढ़िया बास्ना आसूची आउ हांडी रे रोसे करिवार गोटे प्लस पॉइंट देखंतु परिवा गुड़ा आमर पूरा ठीक ठाक सीझे आ परिवाटा बेसी सीझीगले एते टेस्ट लगे नहीं तो प्रेसर में मुझे जो केबे भी एही प्रकार रेसीपी बनाएनी आउ ये सब गाँ गहली रे बहुत यूनिक ए रेसीपी गुड़ाक आउ सहर मानकर मध्यम बहुत यूनिक आउ एमिति रेसीपी बनेबा को टिके लोक माने जानि पारंतिनी आउ एटा हमर विदाउट ओनियन गार्लिक अछि बट बहुत बढ़िया बासना अछि चिकन मटन मध्यम या पाखरे हार मानि जीव तो केबे गोटे थरे आपण बनातु सबकि आप घरे अवेलेबल था जमती कि आम काजू चारमगज ये युवा सब कि भी मुझे आड करना केवल जीरा सोरिष धनिया पाउडर ये हिं बनई तो आपण मैंने निहाती बनेबे मत कमेंट सेक्शन में कहे और रेसीपी निहाती गोटे गोटे लाइक करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे और सेयार करने को बिल्कुल भी भूलें और यहाँ गोटे बहुत पुराणा ट्रेडिशनल खाद्य या को केबे भी स्किप करें तेल मसला तो आपने देखी थे गोटे टू टेबल स्पून रिफाइन रे मुझे सारे कि डालडा आपे तो बहुत कम तेल मसलार यहाँ बनी थाए बहुत हेल्दी बहुत देहपाई भल आ डाइटेसियन मैंने याकू आराम से खाईपर तो आपने एमती सब भल भल रेसीपी देखापी निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ आम यूट्यूब फैमिली जड़े जड़े बढ़िया से मेम्बर्स बनी जातु सब्सक्राइब कला बेले पाखर थी बेल बटन टी दबेबा को बिल्कुल भी भूलिबे ना ये आम घाट टी खाइबा प्रस्तुत होती या सर्व करने पूर्व आम भात पेज बाहर करने
ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଠି ଭାତ ମୋର ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ପେଜ ବାହାର କରି ନେଲେ ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଆଉ ଏଇ ଘାଣ୍ଟଟା ନା ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଖାଇବେ ଗୋଟେ ଥର, ତାପରେ ନିହାତି ଆପଣ ବାର ବାର ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ହେବ, କାହିଁକି ନା ହଜବେଣ୍ଡ ଏତେ ସାରୁକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ବଟ୍ ଏଇଟା ବନେଇଲା ପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସର୍ଭ କରି ନେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଭାତ ସହିତ ଆମର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଭାତରେ ଆମେ ଏଇ ତରକାରୀରୁ ପାଖାପାଖି ଅଧା ଖାଇଯିବୁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏଇ ଘାଣ୍ଟଟା। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆପଣ ଏହାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ, ଆମର ଆସୁଛି ଆଗକୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଯେମିତିକି ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାର ହଉ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉ, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ହଉ, ତ ଏଇ ଘାଣ୍ଟଟା ପ୍ରାୟତଃ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ବନିଥାଏ ଆମର ଘରେ। ଆଈ ବନାନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆଈଙ୍କ ପରେ ମମି ବନାନ୍ତି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ଦିଏ। ତ ଗୋଟେ ଥର ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଖାଇ ନେଉ, ତା'ପରେ ଆମେ ପୁଣି ମିଶିବା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେତେବେଳେ କଥା ହେବି କ'ଣ କରିବି ଜଣା ନାହିଁ, ବଟ୍ ମିଶିବା। ଆଉ ୟା ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିଦେବେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ମୋତେ କହିବେ, ଆଉ ଆଜିର ଲଞ୍ଚଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ମୋତେ ନିହାତି କହିଦେବେ। ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ପୁରା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଘରେ ହିଁ ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଇକି ହିଁ ବନେଇଥିଲି। ଘାଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର କାଜୁ ଚାଲମଗଜ ବହୁତ କିଛି ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ବନେଇଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ବିଲକୁଲ ବି ଭାତ ଖାଇଲେନି, ଖାଲି ଘାଣ୍ଟ ହିଁ ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ତ ସେଇ ଘାଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ଆଈଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲି, ମାନେ ଗାଁରେ ଥିଲି, ଆଈଙ୍କର ମୋର ଡେଥ୍ ହେବା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଗାଁରେ ଛୋଟବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲି ସେସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ। ତ ମୁଁ ରେସିପି ବନେଇଦିଏ, ଭାବେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବି। ଆଉ ଆଜି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଇଭିନିଂରେ, ମାନେ ଡିନର ଆମର କ'ଣ ବନିବ। ଡିନରରେ ବ୍ରେଡ଼କୁ ଆମେ ସେକିବୁ, ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରେଡ଼, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରେଡ଼ ମିଳିଲାନି। ତ 2 ଦିନ ହେଲା ବ୍ରେଡ଼ ଘରେ ବନୁଛି, କାହିଁକିନା ପାଗ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଆଉ ହାଲକା ଫୁଲକା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କ'ଣ କହୁଛ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରେଡ଼ ସେକିବି, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି କହିଲେ ଆମେ ରୁଟି ବନେଇଲେ ଖାଇବୁନି ବ୍ରେଡ଼ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆସିଲା, ତ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତ ବ୍ରେଡ଼ ଖାଇବେ, ଆମେ କାହିଁକି ରୁଟି ଖାଇବା? ତ ବ୍ରେଡ଼ ସେକିଦେବା, ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ବ୍ରେଡ଼ ସହିତ ଆଜି କ୍ଷୀର ଗରମ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ବି ତରକାରୀ ପତ୍ର ବନେଇବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଘାଣ୍ଟ ଦ୍ୱିପହର ମାନେ କ'ଣ 3:30 ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ରୋଷେଇ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ କାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଘାଣ୍ଟଟା ବଳିଯାଇଛି, ତ ଆମେ ବ୍ରେଡ଼ କ୍ଷୀର ଆଉ ସେଇ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆମର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ୟାକୁ ସବୁ ସେକି ନିଏ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ତ ଏଇଠି ତାୱାଟାକୁ ମୁଁ ବସେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ରେଡ଼ ସେକି ନେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, କାହିଁକିନା କାଲି ଏଥିରେ ବ୍ରେଡ଼ ସେକିଥିଲି ଆଉ ୟାକୁ ଧୋଇନଥିଲି, କାହିଁକିନା ଏବେ 4 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆମର ଅରା ବନୁଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଧୁଆଧୋଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ତ ଆଜି ବନେଇଲା ପରେ ୟାକୁ ଧୋଇଦେବି। ତ ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ବ୍ରେଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସେକିକି ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ, ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରେଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରେଡ଼ ହଉ, ତାଦ୍ୱାରା ତା'ର ଫ୍ଲେଭର ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆଉ କେବେ କେବେ ଟିକିଏ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ବ୍ରେଡ଼ରେ, ତ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ପିତୁଳିଆ ଲାଗେ, ତ ସେଇଟା ବି ଲାଗିବନି। ତ ଏମିତି କିଛି, ତ ଏମିତି କରିକି ଆଜି ବ୍ରେଡ଼ ସହିତ କ୍ଷୀର ଆଉ ଆମର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟା ଗରମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ଗରମ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି, 3:00 ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସାରୁ କାଟିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ପାଇଁ ତ ସବୁଠୁ ଦୁନିଆର କଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ସାରୁ କାଟିବାଟା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଘାଣ୍ଟଟା ଗରମ ଅଛି, ଆମେ ଏମିତି ୟାକୁ ସବୁ ସେକିଦେବୁ, କ୍ଷୀର ଗରମ କରିକି ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଲି ଏଇଠି ସେକିବା ଭିତରେ ବ୍ରେଡ଼ଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଓଭରଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଡାଏଟିସିଆନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବନେଇକି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ହିଁ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ବନିଛି, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଏସିଡ଼ିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହୁଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ରହିଲା ଆଜିର ମୋର ବ୍ଲଗ୍, କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ମିଶିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ଟାଟା, ଟେକ୍ କେୟାର।